आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धा में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए यूपी के कराटे खिलाड़ी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और इस समय मलेशियन कोच जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोच है वो लखनऊ में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रही थी। दो दिन का ये प्रशिक्षण आज पूरा हो गया और इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों की तरफ एक कदम उत्तर प्रदेश के कराटे खिलाड़ियों ने और आगे बढ़ा लिया है। हमने कोच से भी बातचीत की थी, आपको दिखाया था कि किस तरीके से कोच ट्रेनिंग दे रही है और टाइमिंग को लेकर के खास तौर से मलेशियाई कोच ने यूपी के लड़के लड़कियों को ट्रेन किया है। आज समापन के मौके तो दोस्तों इस तरीके से आज ये दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया। इस शिविर की जानकारी लेने के लिए हम उत्तर प्रदेश कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष टीपी हवेलिया जी से बातचीत करेंगे, महासचिव जसपाल जी से बात करेंगे और मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद राजू गांधी से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से कराटे के खिलाड़ी अब उत्तर प्रदेश का नाम न केवल देश में बल्कि विदेशों तक लेकर के जाएंगे। हमारे मोतीलाल नेहरू वार्ड में विद्यालय में कराटे ट्रेनिंग कैंप जो दो दिवसीय था वो आज समापन उसका हुआ है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो बहुत आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। इस मौके पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कराटे के जितने भी प्लेयर यहां पर आए हुए हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं अपनी तरफ से कोई भी ज़रूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा हूं और उनकी हर मदद करने को मैं तैयार हूं। और यूपी में शायद ये तीसरे नंबर पर है और हम लोग सभी का प्रयास रहेगा, इसपाल जी हैं हमारे बड़े भाई हैं, सभी के सहयोग से बहुत जल्द ये नंबर यूपी में एक नंबर पे आएगा, मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं ने देखा कि पता नहीं आपको याद है कि जी 7-8 वर्ष पहले एक बार ईरान के कोच को हमने बुलाया था, उसकी खास बात यह थी कि पलक झपकते ही मतलब सेकेंड का हजारवां हिस्सा उसकी वो स्किल थी कि पलक झपकते ही वो पंच मार देता था। उसी तरीके से ये हमारी सुश्री उमा जी भी जो मलेशियन कोच हैं, इन्होंने जैसी ट्रेनिंग कराई मैंने उस तरीके की ट्रेनिंग या तो ईरानी कोच में देखी थी। उससे हमारे बच्चों को, खिलाड़ियों को, लड़कों को, लड़कियों को, सबको बहुत फायदा हुआ है और पूरी तरह हम दृढ़ संकल्पित हैं कि इसको थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इस बार थोड़ा सा ईश्वर की कृपा रही तो खिलाड़ियों ने साथ दिया, उनको सप्लीमेंट्स वगैरह किसी भी तरीके की जरूरत हुई, आर्थिक और सप्लीमेंट्स की किसी तरीके की, हमारे साथ डॉक्टर जेड गौरी जुड़े हैं, डॉक्टर योगेश सिंह जुड़े हैं, क्वीन मेरी की नेक्स्ट टू हेड प्रोफेसर जुड़ी हैं, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के डायरेक्टर श्री योगेश कुमार जी जुड़े हैं, जिनसे अब हमें फाइनेंस की भी समस्या इन लोगों के आने से मेरी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। तो उस वजह से मैं अभी तीन कैंप और कराऊंगा, एक मलेशियन, एक जो प्रणय शर्मा है इंडिया के, एक उनसे और एक ईरानी कोच से। कोशिश मेरी ये रहेगी कि नेशनल गेम से पहले ऐसी स्किल डेवलप करूं तीनों को बुला के कि वो आ ही जाए एक नंबर पे। सबसे बड़ी चीज़ एक जो चैंपियन का माइंडसेट होता है, इसमें सबसे अधिक जो कार्य किया गया वो माइंडसेट तैयार करने पे। हम देखते हैं हमारे भारत के खिलाड़ियों में फिटनेस लेवल, टेक्निक सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन एक माइंडसेट जो उनको चाहिए था कि हम अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन हैं, उसकी थोड़ी हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों में कमी आ रही थी। एक माइंडसेट खिलाड़ियों का चेंज किया इस मलेशिया की कोच ने। उसके अलावा इनको जो वर्ल्ड क्लास टेक्निक, जो इस समय वर्ल्ड के टॉप मोस्ट खिलाड़ी, क्योंकि इनके एक खिलाड़ी जो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और भी कुछ खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड लेवल पे, एशिया लेवल पे चैंपियन है, उनके स्तर की ट्रेनिंग इनको दो दिन दी। और भविष्य में हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो इनके वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी हैं उनको भी हम लोग उत्तर प्रदेश में बुलाएं और उन वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों के साथ में हमारे खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त करें। इस तौर पे जो ये कोच आई हुई है इन्होंने टाइमिंग के ऊपर ध्यान दिया, टाइमिंग के अलावा कैसे यदि कोई हमारे ऊपर अटैक करता है स्कोर लेने के लिए, उसकी टेक्निक को कट करके, उसके टाइमिंग डिस्टेंस को कट करके, डायरेक्शन को कट करके हम उसको काउंटर अटैक, सामने वाला जो प्रयास कर रहा है हमसे स्कोर लेने का, उसके प्रयास को अपने स्कोर में कैसे परिवर्तित करना है, जो बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेटजिकल चेंज मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों में लाएगा, इसको इन्होंने विशेष ध्यान दिया। सर क्या कारण रहा कि मलेशिया से उमा जी को आपने बुलाया, उमा जी को ही क्यों चुना? सर मलेशिया के जो सर्वश्रेष्ठ कोच हैं उनमें से उमा जी एक हैं, दो तीन कोच उनके सबसे टॉप लेवल पे हैं, लेकिन उनमें से भी जो वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी उमा जी के पास है और हमें
इनसे बात होकर इनकी उपलब्धता मिली और जो इनका एक सहज स्वभाव है, क्योंकि ये एंग्लो इंडियन एक तरह से भारतीय मूल से हैं तो थोड़ी हिंदी समझ लेते हैं। यदि हम किसी और कोच को बुलाते, हमारे खिलाड़ी कई ऐसे हैं जो सुदूर प्रांतों से आते हैं, बलिया जैसी जगहों से आते हैं, जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती, इनके साथ में थोड़ी थोड़ी हिंदी आने की वजह से यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो ये हिंदी में भी कुछ चीज़ें हमारे खिलाड़ियों को समझा पाई, जिससे हमें बहुत ही आसानी हुई और हमारे खिलाड़ियों को समझने में बहुत आसानी हुई। सर कहाँ कहाँ से बच्चे आए थे और कितनी संख्या इनकी? हमने यहाँ पे लिमिटेड संख्या के खिलाड़ियों को बुलाया था जो राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर के पदक विजेता हैं, खाली उन्हीं खिलाड़ियों को बुलाया था। यहाँ पर वाराणसी से, प्रयागराज से, बलिया से, जौनपुर से, मुगलसराय से, गाजियाबाद से, नोएडा से, लखनऊ से, कानपुर से, कई स्थानों से खिलाड़ी आए। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मोतीनगर लखनऊ में ये विशेष दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अभी और भी कैंप होंगे। तो इस तरीके से ताइक्वांडो एसोसिएशन लगातार कराटे के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। दोस्तों इसी तरीके की महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां देखते रहिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।